अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 14 जो रेस्पायरेशन है इसका हम लोग लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करते हैं। लेक्चर नंबर 2 है रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। सो ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो हम एयर को इनहेल करते हैं वो किन किन रास्तों के थ्रू होती हुई लंग्स तक जाती हैं और फिर लंग्स के अंदर एक्सचेंज होने के बाद कैसे वो एयर जो है वो एक्सहेल आउट होती है। तो इस रेस्पायरेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं। आज वाले लेक्चर के अंदर जो हम लोग रेस्पायरेटरी सिस्टम का जो पहला पार्ट है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नोज रेस्पायरेटरी सिस्टम का वो वाइड पार्ट है जो एक्सटर्नली विजिबल होता है। इसके अलावा जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, फेरिक्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल एंड सो ऑन, वो हमें एक्सटर्नली विजिबल नहीं होते। सो इट इज द ओनली एक्सटर्नली विजिबल पार्ट ऑफ द रेस्पायरेटरी सिस्टम। अब ये जो हमारे पास नोज है, नोज इज मेड अप ऑफ बोन, कार्टिलेज एंड द फैटी टिश्यूज। अब अगर हम लोग नोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये हमारे पास क्या बचे, एक्सटर्नली विजिबल पार्ट जो है ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज नोज। और ये जो हमारे पास पार्ट है ये हमारे पास क्या है, नेजल कैविटी। ये जो हमारे पास पार्ट है नोज का, जो हमारी नोज के अंदर जो स्पेस है इसे हम क्या कहते हैं, नेजल कैविटी कहते हैं। अब ये जो हमारी नेजल कैविटी है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस जिन्हें हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, और इन दो पोर्शंस के अंदर जो वॉल डिवाइड करती है इसे हम क्या कहते हैं, नेजल सेप्टम कहते हैं। सो नेजल सेप्टम क्या है, नेजल सेप्टम क्या है कि ये हमारी नोज के सेंटर में ये जो वॉल है जो बेसिकली क्या कर रही है, हमारी नेजल कैविटी को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है जिन्हें हम नॉस्टल्स कहते हैं। सो नेजल सेप्टम क्या है, इट इज अ वॉल दैट सेपरेट द नेजल कैविटी इनटू टू पोर्शंस कॉल्ड नॉस्टल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नॉस्टल्स कहते हैं। अब ह्यूमंस के केस में दो क्या होते हैं, एक्सटर्नल नॉस्टल्स होते हैं जो कि एक्सटर्नली विजिबल हैं, और दो ही क्या होते हैं, इंटरनल नॉस्टल्स होते हैं। सो ये जो नॉस्टल्स हैं ये एक्सटर्नल हैं जो कि कितने हैं, दो हैं, और दो ही के हैं इंटरनल नॉस्टल्स। नेक्स्ट, ये वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये वाला नेजल कैविटी का, ये वाला जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है सॉरी, इसे हम क्या कहते हैं, पैलेट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पैलेट कहते हैं। पैलेट का काम क्या होता है कि नेजल कैविटी को ओरल कैविटी से सेपरेट करना।
क्योंकि इस पैलेट से ऊपर नेजल कैविटी होती है और इस पैलेट से नीचे ओरल कैविटी होती है. सो पैलेट एक्ट एज अ रूफ फॉर द ओरल कैविटी. और फ्लोर का काम किसके लिए करती है? नेजल कैविटी के लिए फ्लोर का काम करती है. अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारी नोज है बेसिकली इसके अंदर ये जो स्पेस है नेजल कैविटी है इसके हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स हैं. पार्ट्स ऑफ नेजल कैविटी. तो नेजल कैविटी का जो एक पार्ट है फर्स्ट पार्ट इसे हम क्या कहते हैं नेजल वेस्टिब्यूल. हमारी नोज का जो नेजल वेस्टिब्यूल है ये कौन सा पार्ट है कि ये जो हमारी स्किन का ये जो नोज की इनफोल्डिंग है ये जो पार्ट है ये हमारे पास क्या कहलाता है नेजल वेस्टिब्यूल कहलाता है. सो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या कहलाता है नेजल वेस्टिब्यूल पार्ट कहलाता है. अब इस नेजल वेस्टिब्यूल वाले पार्ट के अंदर क्या क्या होता है इस नेजल वेस्टिब्यूल वाले पार्ट में हेयर्स होते हैं और इन हेयर्स का काम क्या होता है कि जो आप एयर इनहेल कर रहे हो उसके अंदर अगर कोई डस्ट पार्टिकल है तो उसको ट्रैप करना. सो हेयर्स क्या करते हैं दे ट्रैप द डस्ट पार्टिकल जो आप एयर को इनहेल करते हो उसके अंदर अगर कोई प्रेजेंट है तो उसको सिंपली क्या कर लेते हैं ट्रैप कर. इसके अलावा जो हमारे पास नेजल कैविटी है इसके अंदर सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है. ये जो हमारे पास नेजल वेस्टिब्यूल है इसके अंदर एक क्या प्रेजेंट है हेयर्स प्रेजेंट है. इसके अलावा नेजल कैविटी के अंदर सिलिएटेड म्यूकस एपिथीलियम जो है वो भी प्रेजेंट है. तो ये जो सिलिएटेड है इसका मतलब ये है कि इन एपिथीलियम की सरफेस के ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराइज हो रही है जिन्हें हम क्या कहते हैं सीलिया कहते हैं. और इन सीलिया का काम क्या है दे आल्सो ट्रैप द पैथोजन डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द फूड. और ये जो हमारे पास म्यूकस एपिथीलियम है म्यूकोसा जो लेयर है ये क्या करती है इट प्रोड्यूस द म्यूकस. ये क्या प्रोड्यूस करती है म्यूकस प्रोड्यूस करती है. और इस म्यूकस का क्या काम होता है इट प्रोवाइड्स द मॉइस्चर टू द एयर. एयर को क्या प्रोवाइड करती है मॉइस्चर प्रोवाइड करती है. इसके अलावा जो हमारे नेजल कैविटी का जो सेकंड पार्ट है ये वाला जो हमारे पास पार्ट है सेकंड पार्ट ये पार्ट हमारे पास कहलाता है रेस्पिरेटरी रीजन. ये हमारे पास कौन सा पार्ट है जिसमें द सेकंड पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी रीजन कहते हैं. रेस्पिरेटरी रीजन. अब ये जो हमारे पास रेस्पिरेटरी रीजन है ये बिल्कुल एसी की तरह का काम करता है कि गर्मियों में हम गर्म हवा लेते हैं तो ये एसी का काम करता है उसको ठंडा करता है. और सर्दियों में हम ठंडी हवा ले रहे होते हैं तो सर्दियों में ये हीटर का काम करता है. सो ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस रीजन है इट जस्ट वर्क लाइक एयर कंडीशनर. ये किस तरह का काम करता है एयर कंडीशनर की तरह का काम करता है. इसका मतलब क्या है
कि गर्मियों में हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है कि गर्मियों में व्हेन वी इनहेल हॉट एयर तो क्या होता है। गर्मियों में क्योंकि हम कंटिन्यूसली हॉट एयर इनहेल करते हैं, क्योंकि हमारे सराउंडिंग के ऊपर हॉट एयर पैदा, तो अगर वो कंटिन्यूसली हॉट एयर हमारे अल्वियोलाई तक जाएगी तो अल्वियोलाई के डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। सो इसलिए नेचर ने यहाँ पे एयर कंडीशनर लगा दिया। तो इस एयर कंडीशनर का काम किया है कि इस हॉट एयर को कोल्ड एयर में कन्वर्ट करना। कोल्ड एयर का मतलब है कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली लेके आना। तो जब हम लोग हॉट एयर इनहेल करते हैं तो क्या होता है बच्चे, कि ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इट्स गेट्स ओवर स्टिमुलेटेड। म्यूकस मेम्ब्रेन इट गेट्स स्टिमुलेटेड, ये क्या होती है, स्टिमुलेट होती है एंड इट प्रोड्यूस मोर म्यूकस। क्या करती है, इट प्रोड्यूस मोर म्यूकस। अब हमें पता है कि इस म्यूकस की एवेपोरेशन के लिए हीट रिक्वायर्ड है, तो वो जो एक्स्ट्रा हीट एयर के अंदर प्रेजेंट है वो यूज हो जाती है इस म्यूकस को एवेपोरेट करने में, तो वो हॉट एयर ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कोल्ड एयर में कन्वर्ट हो जाती है। सो क्या होता है कि एक्स्ट्रा हीट प्रेजेंट इन हॉट एयर इज यूज टू एवेपोरेट द म्यूकस। सो एज अ रिजल्ट जो एयर है इट चेंजेस इनटू कोल्ड एयर। यहाँ पे कोल्ड एयर का मतलब ये है कि उतने टेम्परेचर एयर का हो जाता है जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट सेकंड सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन वी इनहेल कोल्ड एयर। कि सर्दियों में जब हम कोल्ड एयर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, जब हम वो इनहेल कर रहे होते हैं, और अगर वही कंटिन्यूसली कोल्ड एयर हमारे लंग्स तक जाए तो हमारे अल्वियोलाई जो होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। सो नेचर ने यहाँ पे हीटर वाला काम रख दिया। तो जब आप कोल्ड एयर इनहेल करते हो तो क्या होता है कि आपकी जो नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसके नीचे कैपिलरीज होती हैं, उन ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड का जो फ्लो है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। सो क्या होता है कि वेजो डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स अकर विच आर प्रेजेंट इन नेजल कैविटी। कि हमारी जो नेजल कैविटी है इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, डायलेट होती हैं। तो जैसे ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो ब्लड का फ्लो जो है हमारी नेजल कैविटी की तरफ वो ज़्यादा हो जाएगा। सो क्या होगा, ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द नेजल कैविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो जब ज्यादा से ज्यादा ब्लड हमारी नोज की तरफ आएगा तो क्या होगा कि ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा हीट प्रेजेंट है वो रेडिएट होगी और वो इस कोल्ड एयर के अंदर एड अप हो जाएगी। सो क्या होगा, हीट रेडिएट फ्रॉम द ब्लड एंड एडेड इनटू कोल्ड एयर। तो एज अ रिजल्ट ये वाली कोल्ड एयर किस में चेंज हो जाएगी, हॉट एयर में। सो एयर जो है इट चेंज इनटू हॉट एयर। यहाँ पे हॉट एयर का मतलब ये है
कि उसका इतना टेम्परेचर हो जाएगा जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंगली उसके तकरीबन करीब करीब हो जाएगा। सो ये जो हमारे पास रिस्पायरेटरी रीजन है, ये तकरीबन जो आप एयर इनहेल कर रहे होते हो वो तकरीबन उस एयर का टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 30 डिग्री टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास नोज का जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है ऑल्फैक्ट्री रीजन। ऑल्फैक्ट्री रीजन जो हमारी नोज का नेजल कैविटी का ये अपर वाला पार्ट है, इस पार्ट के अंदर ऑल्फैक्ट्री रीजन जो है वो प्रेजेंट होता है। ऑल्फैक्ट्री रीजन जो है वो प्रेजेंट, इस ऑल्फैक्ट्री रीजन का काम के कि ये स्मेल को सेंस करता है। इट सेंस द स्मेल। सो ओवरऑल अगर हम नोज का फंक्शन देखें तो नोज का फंक्शन क्या है कि जो आप एयर को इनहेल कर रहे हो उस एयर को अंदर अगर डस्ट पार्टिकल है उसको ट्रैप करना, पैथोजन है तो उसको भी ट्रैप करना, म्यूकस का भी काम क्या है कि पैथोजन को ट्रैप करना और मॉइस्चर प्रोवाइड करना, और सीलिया फिर क्या करते हैं, दे मूव बैकवर्ड और फिर उस ट्रैप सब्सटेंसेस को फेरिंग्स तक लेके आते, फिर फेरिंग्स से या तो ईदर दे आर कफ आउट या फिर वो GIT ट्रैक के अंदर एंटर होते हैं एंड देन दे विल बी डाइजेस्टेड इन द स्टमक बाय द कंसेंट्रेटेड HCl। इसके अलावा जो हमारे पास नोज है इसका एक और फंक्शन क्या है कि ये टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टूडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।